सभी लोगों को यूसुफ़ मेरे ठीक है प्यार भरा आदाब सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डॉक्टर कफ़ीर ख़ान साहब रिहा हो चुके हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है। आइए दोस्तों, पूरे देशवासियों से मैं गुजारिश करता हूँ, एक साथ होकर IPS संजीव भट्ट जी के लिए आवाज़ उठाते हैं, जिनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने गुजरात दंगों के सच दिखाने की कोशिश की। आइए दोस्तों, इसी हवाले से मैं चार मिसरे पेश करता हूँ, बतौर खास समात फरमाएं। कभी दुर्वेश कहलाए, कभी सरदार कहलाए, कभी दुर्वेश कहलाए, कभी सरदार कहलाए, वतन की शान के अजमत के हम मेयार कहलाए, वतन की शान के अजमत के हम मेयार कहलाए। ताजुब क्या अगर कुछ वक्त कैसा था परस्तों से, ताजुब क्या अगर कुछ वक्त कैसा था परस्तों से, कटा कर गर्दने सरहद पे भी गद्दार कहलाए, कटा कर गर्दने सरहद पे भी गद्दार कहलाए। और दोस्तों, चार मिसरे और इस हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ, बतौर खास समात फरमाए। के इल्ज़ाम हर बार लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम हर बार लगाए जाते हैं, नफ़रत के हकदार बताए जाते हैं, नफ़रत के हकदार बताए जाते हैं, मुल्क की खातिर जान भी हम दे देते हैं, मुल्क की खातिर जान भी हम दे देते हैं, फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं, फिर भी हम गद्दार बताए जाते हैं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे ऑफिशियल चैनल यूसुफ मेरठी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम।